नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। और आज हम बात करेंगे वास्तु के विशेष टॉपिक पर। जी हाँ, और आज आपको खास अंगूठा कुछ बताना चाहेंगे। अशुभ बिल्ली भी, जिसको हम अशुभ मानते हैं, अशुभ बिल्ली भी बिजनेस में हो रहे नुकसान को कर देगी दूर। जी हाँ, क्या आप इस बात से परिचित हैं? आइए इस बारे में ज्यादा जानते हैं। देखिए, आपने तो सुना ही होगा बिल्ली की झर कितनी एक्सपेंसिव होती है और कितनी कारगर होती है। बिल्ली अशुभता का प्रतीक मानी जाती है कई जगहों पर, शकुन अपशकुन शास्त्रों में, कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग क्रॉस नहीं करते। लेकिन काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन विशेष तौर पर काली अशुभ बिल्ली जिसे आप मानते हैं, वो शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। और चीनी वास्तुशास्त्र से बहुत गहराई तक मानता है, अगर आप अपने बिजनेस में कई तरीके की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और आप वास्तु, चीनी वास्तु विज्ञान की माने और फेंगशुई शास्त्र की सहायता लें, तो इनसे आप निजात जरूर पा सकते हैं। फेंगशुई में बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस के फ्लो को बढ़ा सकती हैं। अगर आपके ऑफिस में, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में अगर कोई नकारात्मकता आ गई है, तो एक मैथमेटिक्स का रूल है, ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ दिया जाए, यानी कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो सबसे अशुभ चीज आपकी अशुभता को कैसे दूर करेगी, अब यह जानना है। आप अपने बिजनेस में आई मुसीबतों के साथ साथ घर की परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। वो कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो आप अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में एक लकी कैट लगा सकते हैं। जी हाँ, लकी फेंगशुई कैट। और इसे लगाने की सही दिशा है पश्चिम, क्योंकि जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो शनि का प्रतीक मानी जाती हैं। और इसके लिए आपको पीली या सफ़ेद रंग की लकी कैट, फेंगशुई कैट लगानी चाहिए। ये लकी कैट और भी रंगों में विद्यमान होती है। गोल्डन रंग की लकी कैट को आप अपने घर में गुड लक बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। इसे मेन हॉल में रखना चाहिए, यह घर में खुशहाली ला सकती है। अगर आप लंबे समय से सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने कमरे की पूर्व दिशा में हरे रंग की लकी कैट लगाएं, इससे स्वास्थ्य में सुधार आता है। अगर परिवार के लोगों की बुरी नज़र से आप उनको बचाना चाहते हैं, तो घर में नीले रंग की लकी कैट को उत्तर दिशा में लगाएं। इसके साथ ही घर में नेगेटिव एनर्जी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका बिल्कुल बिजनेस बंद पड़ गया है, ठप पड़ गया है, दुकान पर बिल्कुल ग्राहकी नहीं हो रही है, तो आपको एक विशेष उपाय बताता हूँ। आप अपने दुकान की दक्षिण पश्चिम दिशा में काले रंग की लकी कैट, लकी फेंगशुई कैट इस प्रकार लगाइए, ताकि उस बिल्ली की नज़र मेन डोर पर रहे। तो आप विश्वास कीजिएगा कि इसकी वजह से राहु का जो संचलन है आपकी दुकान पर, जिसकी वजह से ग्राहकी खत्म हो गई है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अपनी दुकान पर जब आप बिल्ली स्थापित कर रहे हों, तो उसे इस तरीके से स्थापित करें कि उसे काले रंग के वेलवेट के कपड़े पे आप उसे स्थापित करें, और विशेष रूप से दुकान में लोहबान से धूप करें, तो निश्चित रूप से आपके दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आपके प्रतिष्ठान में ग्राहकों की संख्या बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।